नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आपकी अपनी फैक्ट्री है और आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं कि मैं एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाऊं। आप कोशिश तो करते हैं लेकिन लास्ट स्टेज पर जाकर वही स्टेज आकर खड़ी हो जाती है कि फैक्ट्री के खर्चे ही बड़ी मुश्किल से मीट होते हैं। तो ऐसे में अथाह धन प्राप्ति योग वास्तुशास्त्र के अनुसार कैसे बनाए जा सकते हैं, आज इस विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूं। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आप अपनी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं तो ऐसे में क्या काम कर सकते हैं जिससे कि आपकी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री 1.5 से 2 साल के अंदर लग जाए। तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आपकी अपनी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री का साइज़ बहुत बड़ा है और आपने चारों तरफ से ओपन रखकर अपनी फैक्ट्री बनाई हुई है, तो ऐसे में जो आपकी अपनी बाउंड्री वॉल है उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर को चेक करें और वहाँ पर एक ठोस प्लेटफॉर्म बनाना है 3 फीट ऊंचा। लंबाई और चौड़ाई अपनी आवश्यकता के अनुसार आप बना सकते हैं। ऐसे ही आपकी अपनी जो बनी हुई बिल्डिंग है उस बनी हुई बिल्डिंग के साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी एक 3 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाना है। इसी के साथ जो आपकी अपनी फैक्ट्री का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बनता है, ईशान कोण बनता है, उत्तर पूर्व का कोना बनता है, उस कोने में आपने 2 फुट गहरा गड्ढा बनाना है। ये दो काम करने से आपके यहाँ अथाह धन प्राप्ति योग के साधन बन जाएंगे। आप एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाने के काबिल बन जाएंगे। और आपकी अपनी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही है और आप अपनी एक ही फैक्ट्री से परेशान हैं तो ये काम करने से आपकी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलने लगेगी। जितना भी आपका कर्ज है, जितना आपको लोन देना है, वो लोन भी आपका उतरना शुरू हो जाएगा ये दो काम करने से। साउथ वेस्ट में 3 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाने से और नॉर्थ ईस्ट में 2 फुट गहरा गड्ढा करने से। ये दो काम आप अपने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री के अंदर जरूर करके देखिएगा। यदि आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट पर इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।